तो हेलो गाइस, आई एम शुभम कैन, वेलकम टू वीकेंड ब्लास्टर। तो दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं शेर अफगान की समाधि। अगर आप लोग बर्धमान में रहते हैं या फिर इसके आसपास रहते हैं तो आप लोगों को ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। इससे आप लोगों को और भी ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी। ये जगह सिर्फ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं है, इस जगह को हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था मे बी 1958 को, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये जगह वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो करते हैं। So let's roll the intro. तो दोस्तों, ये है शेर अफगान की समाधि। तो दोस्तों, सम्राट हुमायूं के शासनकाल में ये पहली बार भारत के दिल्ली शहर में आए थे, और बाद में वो आगरा में राह चलते इंसानों को पानी पिलाते थे। इसके लिए उनको सक्का यानी कि पानी पिलाने वाला भी कहा जाता था। तो आप लोगों को ये शक हो रहा होगा, यह भी सवाल आ रहा होगा कि दिल्ली में आए थे, आगरा में पानी पिलाते थे, तो उनकी समाधि यहाँ पर कैसे आई? तो इसके पीछे एक कहानी है। वो जब सिंघल के लिए यात्रा कर रहे थे तो तब वो बर्धमान में आ पहुँचे। 1564 या फिर 1563, इन दोनों साल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे बर्धमान शहर में। तो इसीलिए उनकी समाधि आज यहाँ पे है। और सिर्फ इनकी ही नहीं, इनके बगल में कुतुबुद्दीन की भी समाधि है।
दोस्तों इसके बाहर एक छोटा सा मस्जिद भी है जहां पे नमाज अदा की जाती है। ये देखिए यही है वो मस्जिद जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे आप लोग जो छोटी छोटी कब्रें या फिर समाधि कह लीजिए देख रहे हैं, ये कब्रें या फिर समाधि उन लोगों की है जो यहाँ पे इनकी सेवा करते थे। एंड आई थिंक उर्दू में उनको खादिम बोला जाता था। तो ये कब्रें या फिर समाधि उनकी है। और अगर इस घर के अंदर जाया जाए तो आप लोगों को यहाँ पे एक पीर बाबा भी मिलेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो तालाब आप लोगों ने देखा उस तालाब का नाम भी पीर पुकुर है, यानी कि पीर बाबा का तालाब। नाम एक काइंड ऑफ ऐसा है लेकिन है यही नाम पीर पुकुर। दोस्तों ये था मेरा वीडियो एंड आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहुत सारे भाचाल बच्चों की आवाज़ यानी कि बदमाश बच्चों की आवाज़ आप लोगों को मिली होगी, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने कोशिश किया कि वीडियो को अच्छा बनाने की। अगर ये वीडियो अच्छा बना हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक एंड चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज नई नई जगह के वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।